सो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। और जो कल मैंने एसी का सेशन लिया था एलसीआर सर्किट इन द रेजोनेंस, टुडे सेशन इज इन कंटिन्यूटी टू दैट, यूएससी के कंटिन्यूटी में है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू एलसी ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशंस। तो बच्चों आपको देखना कि एलसी ऑसिलेशंस होते क्या हैं। बोथ काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू कम फ्रॉम द एलसी ऑसिलेशंस, द थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल क्वेश्चंस। साथ में कि ये दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए एज वेल एज फॉर द जेईई नीट। तो आप देखेंगे एलसी ऑसिलेशंस में वी हैव one capacitor of capacity C, it is connected to an inductor, ये inductor से connected है, और this is a switch, and it is given that there is no resistance, इस circuit में कोई resistance नहीं है, ठीक है, इस circuit में there is no resistance, capacitor है, inductor है, एक की है, there is no resistance in the circuit, and it is given that at t equals 0, charge on the capacitor q equals to q naught, यहाँ पे charge है q naught, charge q naught, अब the at t equals 0, साथ में हुआ कि स्विच इज क्लोज्ड। हम टी को जीरो पे स्विच को क्लोज करते हैं, टी को जीरो पे हम स्विच को क्लोज करते हैं, ठीक है ना। तो टी को जीरो पे हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं, और जो स्टार्टिंग में इसके पास चार्ज मैक्सिमम है क्यू नॉट है, जैसे स्विच क्लोज किया जाएगा डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी, बोले इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस ओर आएंगे और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, है ना, इसे न्यूट्रलाइज करेंगे, या आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट करंट फ्लो होगी, दैट मीन्स कि करंट का फ्लो इस ओर होगा, करंट इस ओर फ्लो करेगा और ये चार्ज ग्रेजुअली न्यूट्रलाइज होगा। दिस इज वन स्टेटमेंट। द अदर इज वॉट, अभी इसमें पहले करंट जीरो था, जैसे ही इसमें कुछ करंट आएगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट होगी, उसके क्रॉस उससे क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इससे एसोसिएटेड, मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, और जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इसके क्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा, वो ईएमएफ ऑब्वियसली उस चीज को अपोज करेगा जिस वजह से डेवलप हो रहा है, तो करंट के इस ओर के फ्लो होने से डेवलप हो रहा है, तो ईएमएफ क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा, वो अपोज करेगा इस करंट को, बट धीरे धीरे क्या होगी, ये कैप्सर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी करंट क्या होगी, जीरो रहेगी। अब जब ये फुली डिस्चार्ज हो गया और करंट जीरो हो गया, उस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि इस बीच में इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप हुआ था, वो वोल्टेज क्या करेगा, जब करंट जीरो हो गई तो वापस से वो वोल्टेज इसके क्रॉस क्या करेगा, इसे अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये डिस्चार्ज हुआ और इसकी पूरी एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में थी कैप्सर के क्रॉस, करंट मैक्सिमम होता गया, बढ़ता गया बढ़ता गया, और मैक्सिमम हुआ पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडक्टर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में पूरी एनर्जी है और करंट मैक्सिमम है, और करंट इस ओर है, वो करंट इस ओर का करंट डिक्रीज होगा, मतलब करंट इस ओर है, अब वो करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ही नहीं बचा, कैप्सर के वोल्टेज से ही तो यहां पे करंट था, कैप्सर का वोल्टेज खत्म हो गया क्योंकि कैप्सर फुली डिस्चार्ज हो गया, करंट इस ओर है और वो करंट डिक्रीज होगा, अपने आप से डिक्रीज होगा, द रीजन बीइंग कि यहां पे उसे मेंटेन करने वाला कोई वोल्टेज नहीं। तो बच्चों जब ये करंट डिक्रीज होगा तो इंडक्टर चाहेगा एक वोल्टेज डेवलप कराएगा जो इस करंट को मेंटेन कराना चाहेगा, मतलब ये वोल्टेज डेवलप कराएगा इस ओर पॉजिटिव और इस ओर नेगेटिव, इस ओर पॉजिटिव और इस ओर नेगेटिव,
वो जो डिक्रीज होने के ड्यूरिंग वोल्टेज डेवलप हुआ पॉजिटिव स्टोर और निगेटिव स्टोर, वो इससे क्या करेगा, जब तक करेंट जीरो पे पहुंचेगी कैपेसिटर को फुली चार्ज कर देगा ऑपोजिट पोलैरिटी में, मतलब यहां पे प्लस क्यू नॉट और यहां पे माइनस क्यू नॉट और करंट जीरो हो गई। वापस से जो एनर्जी थी जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आई थी वो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। अब जो चीज यहां से स्टार्ट हुई थी चार्ज का फ्लो वैसे यहां से स्टार्ट होगा और फिर से इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक बी के एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा, इस ओर करंट मैक्सिमम होगा और जब करंट इस ओर मैक्सिमम हो जाएगा तब तक ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसके बाद इस ओर की करंट की मेंटेन करना चाहेगा उसके लिए वोल्टेज इस ओर डेवलप कराएगा पॉजिटिव सोर और नेगेटिव सोर। तो जब तक इसकी करंट जीरो होगी तब तक ये फुली सोर चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू नॉट एंड माइनस क्यू नॉट, यानी कि इसमें क्योंकि यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट में, जब सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा और ये ऑसिलेशंस चलते रहेंगे। आप इन ऑसिलेशंस को दो फॉर्म में परसीव कर सकते हो, या तो आप बोलोगे करंट इस ओर जा रहा है फिर करंट इस ओर आएगा फिर करंट इस ओर जाएगा करंट के ऑसिलेशंस के फॉर्म में, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो और परसीव कर सकते हो इसके क्रॉस एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, कुछ देर के बाद वो पूरी एनर्जी इसके पास मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आ गई, फिर वो पूरी एनर्जी वापस से इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में चली गई, फिर वो पूरी एनर्जी वापस इसके क्रॉस मैग्नेटिक बी के फॉर्म में। सो एलसी ऑसिलेशंस, एनर्जी इज ऑसिलेटिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म एंड द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म, एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यही होता है, एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म एंड दैट एनर्जी प्रोपेगेट्स इन द स्पेस। यहां पे आप बोलेंगे यहां पे प्रोपेगेशन कहां हो रहा है, यहां पे प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज फ्रॉम द कैप्सूल टुवर्ड्स द इंडक्टर देन फ्रॉम इंडक्टर टुवर्ड्स द कैपेसिटर, और एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस फेनोमेनन को मैं इस तरीके से स्टार्ट करता हूं, उसे पहले मैं ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं उसे कि लेट एट टी को सुप्टी आपने स्विच टी को जीरो पे क्लोज किया और टी को जीरो पे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई तो अभी टाइम टी हुआ है और कैप्सर अभी फुली डिस्चार्ज नहीं हुआ है। लेट एट टी इक्वल्स टू टी चार्ज ऑन द कैप्सर क्यू इक्वल्स टू क्यू एंड करंट इन द सर्किट आई इक्वल्स टू आई, सर्किट में तब करंट आई है और कैप्सर के पास चार्ज क्यू है, दिस इज क्लियर ना। तो इसका जो इक्वेशन इस टाइम पे होगा कैप्सर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, क्यू बाई सी, कैप्सर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, क्यू बाई सी, दिस इज क्लियर ना। और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा प्लस एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी। अब क्योंकि अगर इस सिस्टम में इस सर्किट में दो डिवाइसेस हैं कैपेसिटर एंड इंडक्टर और कोई बैटरी नहीं है तो दोनों डिवाइस के क्रॉस जो वोल्टेज है इस मोमेंट पे, मतलब एक टी कोस टी, उनका वोल्टेज का सम ऑब्वियसली जीरो होना चाहिए। अगर सर्किट में कोई वोल्टेज होता तो दोनों डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज का सम किसके इक्वल होता, उस बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होता, बट यहां पे कोई बैटरी नहीं तो दोनों का सम क्या आना चाहिए, इट शुड बी जीरो, ठीक है ना, इट शुड बी व्हाट, जीरो। मैं पहले आपको इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन बता देता हूं, फिर जो मैंने आपसे बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और मैग्नेटिक बी के फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जन, वो मैं उसके बाद फिर आपको नोट कराऊंगा, ठीक है ना। नाउ से, अब नाउ से वी नो दैट, हमें पता कि यहां पे I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, I इक्वल्स व्हाट, डी क्यू बाई डी टी, सो दिस बिकम्स, यह आपका गया डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो फ्रॉम हियर सी, नाउ यू सी क्यू बाई सी
प्लस एल इंटू डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट जीरो। ये इक्वेशन देखो बिल्कुल एसएचएम के फॉर्म में है। हाउ एसएचएम के फॉर्म में इक्वेशन होता है कि मास एम इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। यहां पे एम इंटू ए इज व्हाट डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। यहां पे वेरिएबल और अननोन क्या है, एक्स, एक्स और टी वेरिएबल है और हम यहाँ पे एस एच एम में एक्स वैल्यू टी के फॉर्म में निकालते हैं जो कि आपने 11th में एस एच एम में किया। यहां देखोगे हमने यहां पे किया एल डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई सी इंटू क्यू। एक्स की जगह क्यू है, एम की जगह एल है, के की जगह 1 बाई सी है। इक्वेशन बिल्कुल सी फॉर्म में। यहां पे जब आप सॉल्यूशन निकालते हो तो सॉल्यूशन क्या आता है, एक्स इक्वल्स टू, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। लेकिन आप इस सॉल्यूशन को स्पेसिफिक फॉर्म में रख देते हो, एक्स इक्वल्स व्हाट, ये ए और बी कॉन्स्टेंट। अगर आपको ए से कहीं एम्पलीट्यूड से डाउट हो तो मैं इसे क्या करता हूं, इन कॉन्स्टेंट्स को डिफरेंट ले लेता हूं, इसे ले लेता हूं मैं सी एन डी। फिर जब आप स्पेसिफिक कंडीशंस में कंडीशन अप्लाई करते हो कि जब टी की वैल्यू जीरो है तो एक्स क्या है, जीरो है, और जब टी की वैल्यू, जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई टू है तो एक्स ए है, तब एक्स क्या है, ए, मतलब व्हाट एम्पलीट्यूड के इक्वल है। तो उससे जो सॉल्यूशन निकलता, जो कि मैं यहां पे एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं, बट हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू सी और डी की वैल्यू हम निकालते हैं किसकी हेल्प से हैं, हम इसे निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन से, मतलब बाउंड्री कंडीशन ऑफ व्हाट, जब एक्स जीरो था तो जब टाइम जीरो है यानी ओमेगा टी जीरो है तो एक्स जीरो है, ठीक है ना। तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, फिर उससे आपने डी की वैल्यू निकाली और फिर जब आप बोलते कि ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई टू है तो ओमेगा टू की वैल्यू जब पाई बाई टू होगी तो क्या होगा कि एक्स की वैल्यू एम्पलीट्यूड की इक्वल, इससे सॉल्यूशन आता है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, जहां पे ए इसका एम्पलीट्यूड होता है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही यहाँ पे जैसे आप बात करो बोर्ड एग्जाम की, तो आपको जो इस स्टेप के बाद में स्टेप लिख रहा हूं, आपको उस स्टेप पे पहुंचने का एक्सप्लेनेशन इज नॉट नीडेड, है उसी के कंपेरिजन से। तो यहां पे क्या होगा, क्यू इक्वल्स टू आ रहेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब यहां पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, हम कैसे वैल्यू निकालेंगे ए और बी की। अच्छा यहां पे आपको पता कि ओमेगा क्या होगा, यहां पे देखो यू नो वेरी वेल, यहां पे टाइम पीरियड टी इज व्हाट, टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर ए। ये जब एस एच एम करेगा टाइम पीरियड टी बी व्हाट एक्स ओवर ए, यहां ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज यहां पे 2 पाई ओवर टी, सो दैट इज 2 पाई ओवर, इसकी टी की वैल्यू डालोगे सो दैट बी 2 पाई और यह रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट ए ओवर एक्स, इससे कैंसिल हो गया। अब यहां से जब आप ए बाई एक्स की वैल्यू निकालते हो इस इक्वेशन से, ये ए है और ये एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ए बाई एक्स हम केवल मैग्नीट्यूड डालते हैं, दैट इज व्हाट इट इज के बाई एम, इज व्हाट के बाई एम। इसी के कंपैरिजन से जब आप यहां पे इस केस में बिल्कुल इसके कंपैरिजन से जब आप ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा वी व्हाट, ओमेगा वी वन अपॉन ओमेगा की वैल्यू जो आएगी दैट वी वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। मैं देखो आपको दिखा दूं कैसे, यहां ओमेगा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, के किसका कोफिशियंट है, एक्स का। यहां पे चार्ज का कोफिशियंट क्या है, वन बाई सी, यहां पे वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया, के की जगह क्या आ गया, के की जगह आ गया वन अपॉन सी, तो वन अपॉन सी, तो सी नीचे पहुंच गया, के की जगह आएगा वन अपॉन सी, तो सी नीचे आ गया, और डी स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर का कोफिशियंट क्या, एम, वो एम यहां नीचे मल्टीप्लाई होगा, यहां पे इसका कोफिशियंट क्या, एल, एल नीचे मल्टीप्लाई होगा। ये बिल्कुल उसके कंपैरिजन से आता है।
अब बाउंड्री कंडीशंस बच्चों कैसे लगाते हो? बाउंड्री कंडीशंस का आपको समझना ना केवल इस इक्वेशन में बल्कि बाउंड्री कंडीशंस का ओवरऑल समझना फिजिक्स में, अभी इंजीनियरिंग में सब जगह बहुत काम आएगा। समझ रहे हो ना? मतलब जेई के लिए, नीट के पेपर के लिए और बाद में इंजीनियरिंग में भी बहुत काम आएगा। आप ठीक से देखना, बाउंड्री कंडीशंस हमें पता होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता है, आपने बोला कि आप देखोगे, आपने बोला एट टी इक्वल टू जीरो, बाउंड्री कंडीशंस का मतलब होता है स्टार्टिंग में और या फिर क्या होगा एंड में, एट टी इक्वल जीरो चार्ज टी इक्वल व्हाट क्यू नॉट, यू सी वी नो दिस, पता ना हमें टी इक्वल जीरो पे चार्ज टू कितना है, क्यू नॉट है ना, कितना है क्यू इक्वल व्हाट क्यू नॉट, राइट। तो मैंने यहां पे लिया टी को जीरो पे चार्ज क्यू कितना है, क्यू नॉट। अब ये वैल्यू मैं यहां पे डालूंगा तो क्या रहेगा, क्यू नॉट इज इक्वल टू, और जब टी जीरो डालूंगा साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो एन टू जीरो विल बी जीरो, दिस इक्वल टू बी कॉस ऑफ जीरो, टी जीरो में ओमेगा टी जीरो, तो इट इंप्लाइज दैट बी इक्वल्स व्हाट, बी इक्वल्स टू क्यू नॉट, बी के लिए क्यू नॉट आ गई। अब साथ में आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, किससे आ गया करंट आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, और करंट आई डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, इट विल बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट किया तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ सी एट टी को जीरो, एट टी को जीरो करंट आई इक्वल्स व्हाट, एट टी को जीरो करंट आई की वैल्यू क्या है, जीरो, करंट आई की वैल्यू क्या है, इट इज जीरो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, टी को जीरो पे करंट आई की वैल्यू क्या है, इट इज जीरो, राइट। कैसे बताया था ना आपको, टी को जीरो पे सारी की सारी एनर्जी कैप्चर के क्रॉस है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और सर्किट में करंट क्या है, आई जीरो है, मतलब जब चार्ज क्यू मैक्सिमम है क्यू नॉट है, तो पूरी एनर्जी इसके पास, इसके पास कोई एनर्जी नहीं, इंडक्टर के क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड बी के फॉर्म में एनर्जी होती है, वो एनर्जी किसके इक्वल होती है बच्चों, हाफ एल आई स्क्वायर के इक्वल, हाफ एल आई स्क्वायर के इक्वल। अब क्योंकि यहां पे आई जब एनर्जी नहीं है तो आई क्या होगा, जीरो होगा, है ना, एनर्जी नहीं जब इंडक्टर के क्रॉस, आई विल बी व्हाट, जीरो। तो जब इस इक्वेशन में आप वैल्यू डालोगे तो आपने आई के लिए जीरो डाल दी, और जीरो इक्वल्स टू यहां पे टी जीरो, तो ये वाला पार्ट क्या आ गया, जीरो साइन ओमेगा टी, तो साइन जीरो, दैट मींस कि वाला टर्म जीरो आ गया, सो दैट इक्वल्स व्हाट ए ओमेगा कॉस जीरो, कॉस जीरो क्योंकि टी जीरो डाला, तो कॉस जीरो इज वन। अब बच्चों यहां से देखो ओमेगा इज नॉट जीरो, ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड निकाली हुई हमने, तो इट इंप्लाइज दैट ए जीरो, ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो ये है कि मैं आपको जितने भी इक्वेशंस आएंगे जनरली जेई में, नीट में या बोर्ड एग्जाम में, आप जो डायरेक्टली मेरा रिजल्ट आएगा उसके थ्रू भी आप कर लोगे, मैं आपको सिखाऊंगा, उसके थ्रू सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है ना। बट फिर भी अगर मान लो कि बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन ही आ गया, उसके लिए सिखा रहा हूं, तो अब आपका सॉल्यूशन आ गया कि क्यू इक्वल्स टू आपने ए जीरो आ गया, तो वाला टर्म खत्म हो गया, बी की जगह क्यू नॉट आ गया, तो दिस इज क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये इसका सॉल्यूशन है। और इससे करंट आई की वैल्यू क्या आ गई, आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव करंट आई विल बी व्हाट डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आ रही माइनस क्यू नॉट ओमेगा इंटू व्हाट साइन ऑफ ओमेगा टी। बच्चों ये बात समझ गए ना, माइनस ऑफ क्यू नॉट ओमेगा इंटू व्हाट साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट आई, ये आई की वैल्यू आ गई, ठीक ना, दिस वैल्यू ऑफ व्हाट आई। अब आप देखोगे आपको चार्ज क्यू का इक्वेशन और इसका इक्वेशन आ गया, और अगर आपको बाउंड्री कंडीशंस ये दे रखी है एग्जामिनर ने कि टी को जीरो पे चार्ज क्यू क्यू नॉट है, तो आप इन इक्वेशंस को जो मैंने अभी निकाले हैं चार्ज क्यू का, कि क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट
cos omega t and I cos minus of q naught omega sin omega t. इसे डायरेक्टली याद रख सकते हो. फिर अगर इनमें कोई चेंज आएगा कंडीशंस में तो इक्वेशन कैसे चेंज होगा वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा. और ये डेरिवेशन केवल अगर बोर्ड में डेरिवेशन आता तभी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बाकी सी में आपको डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस इज क्लियर ना? तो हमारे रिजल्ट्स आ गए, ये रिजल्ट्स आ गए. अब इस रिजल्ट के थ्रू इसके एप्लीकेशंस कैसे होंगे आई टेल यू दैट. एप्लीकेशंस कैसे होंगे मैं आपको बता रहा हूं. और बच्चों एक चीज भी, एक और भी चीज, अब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं सब में जो एडमिशन होगा, मतलब इवन इफ इट इज नॉट इंजीनियरिंग बीएससी वगैरह में भी वो एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होगा, है ना? सो दैट मीन्स कि सब में पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा. तो दैट मीन्स व्हाट कि इट्स ऑल राइट कि बोर्ड एग्जाम में योर स्कोर विल बी गुड, ठीक है ना? बट ऑल टूगेदर नाउ द नीड बिकम्स मोर टू फोकस अपॉन द कॉन्सेप्ट्स. मतलब कहीं पे भी आपको बैचलर डिग्री में इंजीनियरिंग मेडिकल इवन बीएससी ऑल्सो इन द गुड यूनिवर्सिटीज उनमें एडमिशन कैसे होगा, एक ऑब्जेक्टिव पेपर के थ्रू ही होगा. तो और ऑब्जेक्टिव पेपर मीन्स व्हाट? क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, राइट? सो अब मैं इसका एप्लीकेशन आपको बताता हूँ. नाउ लुक एट दिस. तो ये आपका जो अभी मैंने कराया इट इज दिस, ठीक ना? ये अभी ये हुआ. मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस से स्पेस में आऊंगा. अब आप देखोगे नाउ से. नाउ लुक एट दिस. हमारा सर्किट ये था, और एट टी को जीरो क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट, और साथ में मैं लिख देता हूं आई को जीरो एंड स्विच इज क्लोज्ड. मतलब आपने स्विच को क्लोज कब किया? टी को जीरो पे. तो चार्ज क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी एंड करंट आई को माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है? पहले मैं इक्वेशंस को चेंज करना बताता हूं. अगर आपसे ये बोला जाए कि कंडीशंस ऐसी हों कि एट टी को जीरो चार्ज क्यू इक्वल्स टू जीरो एंड आई इक्वल्स टू आई नॉट मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट कितना? क्यू नॉट ओमेगा आई इक्वल्स टू आई नॉट. तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएंगे, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा एंड करंट आई विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ दिस विल बिकम इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव. आप देखो जब टी जीरो डालोगे तो करंट आई क्या आ जाएगा? क्यू नॉट ओमेगा मैक्सिमम है, और जब टी जीरो डालोगे तो चार्ज क्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. ऐसा नहीं कि कंडीशंस और नहीं बनती है, मतलब टी को जीरो पे बोल दिया गया चार्ज क्यू की वैल्यू क्यू नॉट बाई टू है, तो ये नहीं कि और नहीं बनते हैं. बट अभी मैं आपको पहले फेज में, मतलब जो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होगा आई ऑल्सो टेल यू दैट. मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई बड़ी टफ चीज है. आपने क्या लिया, मानो आपने यहां से स्टार्ट किया क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इसे आपने सॉल्यूशन मान लिया. अब उन्होंने बोला एट टी को जीरो चार्ज क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई टू, तो आप क्या कर दोगे? क्यू रे आपने डाला क्यू नॉट बाई टू इक्वल क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी जीरो ही हो गया प्लस फाइव. इससे आपको पता लग गया कि फाइव कॉस व्हाट? फाइव बाई सिक्स. क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होगा, साइन फाइव कॉस व्हाट? वन बाई टू. फाइव की वैल्यू क्या आ गई? फाइव बाई सिक्स. तो आपको इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया कि क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव बाई सिक्स. तो जनरल सॉल्यूशन आप ये ले करके और उससे फिर बाउंड्री कंडीशंस डाल करके आप फाई की वैल्यू निकालोगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा. और जो इक्वेशन फिर आपका बाद में आएगा उसे डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट आल्सो. बट मैंने आपसे बोला या तो आपको बाउंड्री कंडीशंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस में बाउंड्री कंडीशंस याली होंगी, और या बाउंड्री कंडीशंस याली होंगी तो इक्वेशन आप ये ले लोगे, और या फिर इक्वेशन या ले लोगे, ठीक है ना? अब आप
मैं एक दूसरे फ्रेम में आता हूं, अब मैं इन क्वेश्चंस का अब इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं, ठीक है ना, कैसे इसके एप्लीकेशंस होंगे। लुक एट दिस, हमने इसमें किया कि प्लस माइनस सी एल इट इज दिस, वही एट टी को जीरो, चार्ज क्यू इज क्यू नॉट, करेंट आई जीरो, एंड एट टी को जीरो स्विच इज क्लोज। अब आपने स्विच को इस मोमेंट पे क्या किया, क्लोज किया। आपने स्विच को इस मोमेंट पे क्या किया, क्लोज किया। दिस इज क्लियर। सॉल्यूशन आपका आ गया क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी एंड आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, सो दैट वॉज माइनस ऑफ क्यू नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। ये सॉल्यूशन अभी जो निकाला था वो आ गया, है ना। नाउ बच्चों देखोगे, मान लो आपसे ये पूछा गया कि यहां पे ओमेगा इज व्हाट, वन अपॉन स्क्वायर ऑफ एल सी, ओमेगा इज व्हाट टू पाई ओवर टी, बिल्कुल वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, तो टाइम पीरियड टी को टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, तो इस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, इस सर्किट की बच्चों फ्रीक्वेंसी एफ होगी, दैट विल बी वन अपॉन टू पाई इंटू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। आप बोलते सर यहां पे टाइम पीरियड टी और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, तो देखो इसका एक ऑसिलेशन पूरा कैसे होता है, इसका ये चार्ज जीरो होगा, करंट इस ओर आएगी, जब ये चार्ज जीरो होगा, दिस इज ये ऑसिलेशन क्या हुआ, ये ऑसिलेशन हुआ आपका आधा ऑसिलेशन, तो जब ये जीरो होगा तो पूरी एनर्जी इसके पास आ गई। इसके बाद फिर यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव आएगा, इज दैट क्लियर। फिर इस ओर से भी डिस्चार्ज होगा, जब इस ओर से डिस्चार्ज होगा, मैंने अभी जो बोला आपसे वो वन फोर्थ ऑसिलेशन था, ये चार्ज जीरो हुआ और पूरी एनर्जी यहां पे आ गई मैंगल बी के फॉर्म में। अब धीरे धीरे ये एनर्जी जीरो होगी और यहां पे चार्ज प्लस क्यू रहेगा, तो जब ये करेंट डिक्रीज कर रही है, मैक्सिमम करंट से जीरो करंट पे पहुंचना और इसका प्लस क्यू नॉट हो जाना, इसका माइनस क्यू नॉट हो जाना, इज व्हाट अनदर क्वार्टर ऑसिलेशन, वन फोर्थ ऑसिलेशन। अब आधा ऑसिलेशन पूरा हो गया, जैसा इस ओर से हुआ था ऐसा ही जब इस ओर से कंप्लीट होगा और वापस से इसके पास प्लस क्यू नॉट आ जाएगा, दैट इज अनदर हाफ ऑसिलेशन। मतलब इस करेंट का, इसका डिस्चार्ज होना, करेंट का मैक्सिमम पहुंचना, फिर करेंट का जीरो होना और यहां प्लस क्यू नॉट आना, यहां माइनस क्यू नॉट आना, इज हाफ ऑसिलेशन। वैसा उस ओर से ही होना, इज व्हाट अनदर हाफ ऑसिलेशन। तो इसी का नाम ऑसिलेशन है। तो जब ऑसिलेशन है तो एक स्केल में ऐसा कितनी बार होगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी, और एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लगेगा, दैट इज व्हाट टाइम पीरियड टी। इन वन ऑसिलेशन हाउ मच टाइम विल इट टेक, दैट इज व्हाट टाइम पीरियड टी, और हाउ मेनी ऑसिलेशंस, सच ऑसिलेशंस विल बी कंप्लीटेड इन वन सेकंड, इज व्हाट दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब देखो, मानो आपसे बोला गया एट व्हाट टाइमिंग्स ऑल द एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके पास होती है, कैपेसिटर के पास, तो पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिकल है, तो दैट मीन्स की कैपेसिटर क्या होगा, फुली चार्ज्ड। लेकिन पोलैरिटी से कोई मतलब नहीं, इस ओर पॉजिटिव हो इस ओर निगेटिव हो, या इस ओर पॉजिटिव हो और इस ओर निगेटिव हो, लेकिन इट शुड बी व्हाट ऑल द चार्ज शुड बी ऑन द कैपेसिटर। सो बच्चों हुआ क्या, हमने इसका सॉल्यूशन लिखा, हम इसका सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन बिकम्स व्हाट, क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस क्यू नॉट, क्यू इक्वल्स व्हाट प्लस माइनस क्यू नॉट। दिस इज सॉल्यूशन आपका आ गया के प्लस माइनस क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और इससे आपने निकाला कि कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन।
और अब आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन में से निकालो, कोई जरूरत नहीं बच्चों, आप सीधे से ऐसे क्या कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यहां पे क्या होगी इस जगह, ये पूरा साइकिल है ओमेगा टी का, तो जब ओमेगा टी ये होगा जीरो होगा कॉस ओमेगा टी प्लस वन, फिर जब ओमेगा टी पाई होगा यहां पे ओमेगा टी पाई कॉस ओमेगा टी माइनस वन, फिर जब यहां पे ओमेगा टी टू पाई होगा फिर से क्या आ गया कॉस ओमेगा टी प्लस वन, दैट मीन्स कि हमारे सॉल्यूशन टाइम के टर्म्स में ये पूरा साइकिल टू पाई है ओमेगा टी के टर्म्स में, और टाइम के टर्म्स में पूरा क्या हुआ वन साइकिल दैट इज टाइम टी। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब थी, जब यहां पे थे आप या फिर यहां थे, तो टाइम टी के सॉल्यूशंस आपके आ गए जीरो टाइम पे, फिर टी बाई टू टाइम पे यहां पे पहुंचे, मतलब टी बाई टू टाइम, फिर आप वापस यहां आए दैट इज व्हाट टी टाइम, या फिर आप फिर क्या हुआ आप वापस इधर गए दैट इज व्हाट थ्री बाई टू टाइम, या फिर व्हाट टू टी टाइम, व्हाट टू टी टाइम। तो इन टाइमिंग्स पे पूरी एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रिकल होगी, और जब पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिकल होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी क्या होगी जीरो। अगर यही क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा रहा था कि एट व्हाट टाइमिंग्स मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी विल बी जीरो, तो आप उसका दूसरा कंक्लूजन ये निकालते इफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जीरो दैट मीन्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी व्हाट मैक्सिमम होगी, तो उस केस में सॉल्यूशन आएगा जीरो से टी बाई टू, फिर टी, फिर थ्री टी बाई टू, फिर टू टी इन टाइमिंग्स पे, राइट। अब इसी में बच्चों आप ये देखोगे आपसे पूछा गया, इसी केस में पूछा गया कि दूसरा क्वेश्चन मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ही करता हूं, ठीक है ना। अब आपको फिगर भी पता है, पैरामीटर्स भी पता है, अब आपसे पूछा गया दूसरा, एट व्हाट टाइमिंग्स ऑल द एनर्जी is magnetic, all the energy is what magnetic, all the energy is what magnetic। तो आप देखो चार्ज की को सु क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, सॉल्यूशन ये था जब सारी एनर्जी मैग्नेटिक है तो चार्ज ऑन द कैप्सल विल बी व्हाट जीरो, क्योंकि कैप्सल के पास कोई एनर्जी नहीं है, तो आपको सॉल्यूशन क्या आ गया इससे कॉस ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। इट मींस व्हाट, अब आप सॉल्यूशन बस सीधे उसी से निकाल दो, ओमेगा टी या तो यहां पे होगा है ना कॉस पाई बाई टू या कॉस थ्री पाई बाई टू, दैट मीन्स कि ये टाइम कितना, ये पूरा टाइम टी है, दिस टी बाई फोर, दिस थ्री टी बाई फोर, वापस यहां फाइव टी बाई फोर, तो टाइम टी के सॉल्यूशंस क्या आ गए, ये आ गया टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर, फाइव टी बाई फोर, सेवन टी बाई फोर, नाइन टी बाई फोर एक्सेट्रा, जिसके सॉल्यूशंस आ गए, दीज आर व्हाट, दीज आर द सॉल्यूशंस, राइट, ठीक है ना, ये इसके सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है ना। अब आप देखोगे, आप बच्चों ये समझिए ना, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, मैं उसे एक डिफरेंट फ्रेम में कर रहा हूं, लुक एट दिस, अब पूछा गया आपसे थर्ड, एट व्हाट टाइमिंग्स हाफ ऑफ द एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एंड हाफ एनर्जी इज हाफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एंड हाफ एनर्जी इज मैग्नेटिक। तो अब आपने क्या किया, इसकी पूरी एनर्जी कितनी थी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, जब कैप्सर के पास चार्ज क्यू नॉट था तो सारी एनर्जी कैप्सर के पास थी और वो टोटल एनर्जी इतनी थी, इस एनर्जी का हाफ क्या हुआ इंटू हाफ, और जब आधी एनर्जी इलेक्ट्रिकल है
उस टाइम पे कैप्सर के पास चार्ज क्यू है, तो कैप्सर की एनर्जी कितनी होगी? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। यू नो जो एनर्जी कैप्सर के पास होती है दैट एनर्जी इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल। तो उस टाइम पे कैप्सर के पास चार्ज क्यू है तो एनर्जी होगी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और ये पूरी एनर्जी जो है उसकी हाफ है। इससे आपका सॉल्यूशन आ गया, टू सी से टू सी कैंसिल होगा और क्यू की वैल्यू आ गई प्लस माइनस क्यू नॉट बाई रूट टू। अब आपका इक्वेशन, क्योंकि क्या था, इक्वेशन वॉज क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, सो प्लस माइनस क्यू नॉट बाई रूट टू इक्वल क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। इट इम्प्लाइज दैट ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इक्वल्स वॉट? प्लस माइनस वन बाई रूट टू। अब हम उसी ग्राफ से सॉल्यूशन निकाल देंगे। अगर ये पूरा साइकिल है तो ओमेगा टी की वैल्यू जब पाई बाई फोर होगी तो कॉस ओमेगा टी प्लस वन बाई रूट टू होगा, जब ओमेगा टी थ्री पाई बाई फोर होगा तो माइनस वन बाई रूट टू। मतलब सॉल्यूशन आपका यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, या फिर सॉल्यूशन यहाँ आएगा यहाँ आएगा। कॉस ओमेगा टी यहाँ पे क्या होगा? प्लस वन बाई रूट टू, यहाँ पे भी प्लस वन बाई रूट टू, यहाँ पे माइनस वन बाई रूट टू और यहाँ पे माइनस वन बाई रूट टू। ये पूरी साइकिल है, ये जीरो था, ये पूरा कंप्लीट साइकिल टी था, ये टी बाई फोर था, ये टी बाई एट होगा, टी बाई एट दिस थ्री टी बाई एट, क्योंकि ये टी बाई टू है दिस और थ्री टी बाई एट। आप कह सकते हो ना टी बाई फोर प्लस टी बाई एट दैट इज वॉट टी बाई एट, दिस फाइव टी बाई एट, दिस सेवन टी बाई एट। सो इन तीन एग्जाम्पल से आई टोल्ड यू, मतलब इसके आंसर्स आ गए टाइम टी इक्वल्स टू टी बाई एट, थ्री टी बाई एट, फाइव टी बाई एट, सेवन टी बाई एट एसेट्रा। ये रिपीट होता रहेगा, नाइनटी बाई एट एंड ऑल, ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है ना? सो बच्चों यहां पे ये हुआ कि जैसे मैंने हाफ एनर्जी का निकाला सॉल्यूशन, आप मेरे कैलकुलेट करने का तरीका देखो, उसे फिर क्या करते हो, जो कंडीशन दे रखी होगी मैंगल बी एनर्जी की या इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की, उसे आप चार्ज क्यू की वैल्यू निकालते हो, फिर कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालते हो, और फिर उस इक्वेशन से, इस ग्राफ की हेल्प से, इसकी हेल्प से आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो, है ना? और जो थियोरेटिकल पार्ट इसका था वो वही था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है, तो करंट के लिए अगर आप बात करते हो तो करंट के ये जो ऑसिलेशन है टी के साथ साइनसॉइडल फॉर्म में इस तरीके से चलते रहेंगे, और इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम नहीं होगा। मतलब करंट का एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग में आई नॉट है तो बाद में भी आई नॉट होगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा है, देयर इज नो रेजिस्टेंस। जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो मैग्नेटिक फील्ड बी के फॉर्म में आ गई, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, वापस से इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, फिर वापस से करेंट यानी कि मैग्नेट बी के फॉर्म में आ गई, तो लगातार इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन प्रैक्टिस में सर्किट्स में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना? तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता, लगातार डिक्रीज करता रहता है, और कभी ना कभी करेंट जीरो रहती है। ये प्रैक्टिकल सर्किट है इस केस में, बिकॉज प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस इज जीरो, नॉट जीरो, कनेक्टिंग वायर्स का ही कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जब भी करेंट फ्लो करेगी उसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा, और जब हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा तो लगातार एनर्जी कम होगी, और हाफ एल आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। दैट मीन्स की आई की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। और जो फर्दर यहाँ पे था थ्योरेटिकल पार्ट, वो यही था कि आपको बताना होगा कि एज द स्विच इज क्लोज्ड इन द बिगिनिंग ऑल द एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ